बैक टू माई चैनल ग्रूमिंग योर सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइज आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे स्पेशल पार्टी काइंड ऑफ ग्लैमरस मेकअप लुक। सो आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप में, साथ ही साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज ये चेहरा आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ अंकिता और इस चैनल पर हम लेके आते हैं मैन सो मैन फैशन लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोज। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे इस चैनल ग्रूमिंग योर सेल्फ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है जिसको आप हिट कर दीजिए ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से नोटिफाइड रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम अपने फेस को हाइड्रेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ मॉइस्चराइजर। गाइज यहाँ पे मैं निविया का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेट कर लूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने आईलिड को प्राइम करेंगे विथ हेल्प ऑफ कंसीलर। यहाँ पे मैं मैबलिन का एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर यूज कर रही हूँ। सो उसकी हेल्प से मैं अपने आईज को प्राइम कर लूंगी। यहाँ पे जो मैंने अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई किया है उसको सेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ लूज पाउडर। यहाँ पे मैं मैबलिन फिट मेकर लूज पाउडर यूज कर रही हूँ जिसमें मेरा शेड है मीडियम न्यूट्रल। सो जो आई शैडो पैलेट हम यूज कर रहे हैं वो फॉक्लर का स्वीट हनी आई शैडो पैलेट है। उस आई शैडो पैलेट से मैंने एक लाइट बहुत ही लाइट कलर का ब्राउन टोन पिक किया है और उससे मैं अपने क्रीज लाइन के अक्रॉस अक्रॉस बब कर रही हूँ। यू गाइस कैन सी दैट। सो इसको हम अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लेंगे। देन सेम ही पैलेट से मैंने एक टर्कोइज रोज काइंड ऑफ कलर लिया है जो लाइक मॉबिस काइंड ऑफ कलर है, उसको लेकर के मैं अपने सारे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। लाइक अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। यू गाइस कैन सी दैट जैसा मैं कर रही हूँ सेम ऐसा ही करना है। देन सेम ही कलर से एक वाइट कलर हमने पिक किया है लाइक न्यूट्रल काइंड ऑफ वाइट कलर जो कि हाइलाइटर पर्पस के लिए यूज़ होता है मोस्टली। सो वो कलर लेकर के मैं एकदम अपने सेंटर पे आईलिड के सेंटर पे उंगलियों की हेल्प से पैट कर रही हूँ। यू गाइस कैन सी दैट। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी मैं इसके ऊपर शिमर कलर अप्लाई करूँगी उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा मिलेगा, पे ऑफ कलर बहुत अच्छा मिलता है। लाइक वाइट बेस के ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई करें तो काफ़ी उभर करके आता है। दैट्स पे यहाँ पे मैं एकदम से सेंटर लेवल पे अपने लीड को कट कर रही हूँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ पाउडर आई शेडो। देन यहाँ पे हम एक शिमर सेट पिक करेंगे सेम ही पैलेट से। इस पैलेट में आपको मैट कलर और शिमर कलर मिल जाने। अपने क्रीज पे वाइट कलर का आई शेडो लगाया था, देन सेम उसके ऊपर ही हम ये शिमर सेट अप्लाई कर लेंगे। यू गाइस कैन सी दैट कि मैं अपने उंगलियों की हेल्प से वो शिमर सेट अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस मैं अपने लेंसेज वेयर करना भूल गई थी और अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी लेंसेज नहीं अप्लाई किए हैं, तो मैं अपने लेंसेज अप्लाई करके दोबारा से आ गई हूँ इसलिए। सो अभी आपको थोड़ी सी आंखें डिफरेंट दिख रही होगी बिकॉज मैंने लेंसेज अप्लाई कर लिए हैं इसलिए। सो अब हम यहाँ पे बेस मेकअप करने वाले हैं। बेस मेकअप के लिए फर्स्टली मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बेस को लाइट ही रखना चाह रही हूँ। सो मैं यहाँ पे बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ जो कि पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है। सो मैं उसको अप्लाई कर लूँगी और विथ हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है और काफ़ी नेचुरल काइंड ऑफ लुक दे देता है और आपके दाग धब्बों को भी काफ़ी अच्छे से कवर अप कर देता है। यू गाइस कैन सी दैट कि मेरे पिंपल्स थे और वो काफ़ी अच्छे से कवर हो चुके हैं इससे। यहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करने वाले हैं। कंसीलर के लिए मैं मैबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली ये कंसीलर बहुत पसंद है। ये भी आपको मीडियम कवरेज का कंसीलर है और काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाता है। सो मैं इसको अपने अंडर आई पे अप्लाई कर लूँगी, फोर हेड पर अप्लाई कर लूँगी, विद अप नोज पर अप्लाई कर लूँगी, अपने माउथ के अक्रॉस हम अप्लाई कर लेंगे लाइक जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पर्पज के लिए एंड जहाँ थोड़ा बहुत भी यदि मुझे पिगमेंटेशन है तो मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी। और कंसीलर को हम ब्लेंड कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। कंसीलर को आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली ब्लेंड करना है। मेक श्योर करें कि आप कंसीलर को हल्के हाथों से ब्लेंड करें और बिल्कुल भी रब ना करें, अदरवाइज आपका कंसीलर मूव हो जाएगा और जहां पे आपको हाइलाइटिंग चाहिए वहां से वो मूव हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। कंसीलर को हम सेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ लूज पाउडर। अगेन मैबलिन फिट मी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
सो उसकी हेल्प से मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी और थोड़ा सा पाउडर लेकर के सारे फेस पे डस्ट अप कर लेंगे ताकि जो हमने बेस पे प्रोडक्ट लगाया है वो सब कुछ सेट हो जाए। देन यहाँ पे हम आईलाइनर अप्लाई कर रहे हैं। आईलाइनर के लिए मैं SQ का लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक 130 समथिंग रुपीज में आपको मिल जाता है। सो मैं इसकी हेल्प से आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। यू गाइस कैन सी दैट। सो मैंने आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। आईलाइनर मैंने बहुत ही सोबर रखा है, हल्का सा विंग्ड है थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर जा कर के, अदरवाइज आईलाइनर काफ़ी सोबर है। सो गाइस हम सेम ही टर्कोइस रोज कलर लेंगे और अपने लोअर लीड पर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लीड पर कलर को अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का काजल अप्लाई कर रही हूँ। व्हाइट कलर के काजल की हेल्प से हम अच्छे से अपनी लोअर टाइट लाइन को फील कर लेंगे। व्हाइट कलर का काजल लगाने से आपकी आंखें थोड़ी सी बिग और बोल्ड दिखने लगती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का काजल यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे कोई फॉल्सेस यूज़ नहीं करेंगे। सो मैं अपने लेसेस को थोड़ी सी कर्ल कर लूँगी विथ हेल्प ऑफ आई लेसेस कर्लर जो कि है वेगा का। सो मैं उसकी हेल्प से अपने लेसेस को कर्ल कर ले रही हूँ। एंड देन हम अपने लेसेस को कोट करेंगे विथ हेल्प ऑफ मस्कारा। यहाँ पे जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो मैबलिन का वॉल्यूम एक्सपर्ट हाइपर कर्ल मस्कारा है। सो मैं उसकी हेल्प से अच्छे से अपने लेसेस को कोट कर लूँगी। एक से दो कोट मस्कारा का अप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे अपने आईब्रो को फील करेंगे। यहाँ पे मैं आईब्रो को फील करने के लिए आई शेडो का ही यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लैक कलर के आई शेडो को अपने आईब्रोज़ पे अप्लाई करने वाली हूँ। सो ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे, एक ब्रश की हेल्प से पिक करेंगे और हल्के हल्के स्ट्रोक दे करके अपने आईब्रोज़ के गैप को फील कर लेंगे। देन हम यहाँ पे करेंगे पाउडर कंट्रोलिंग विथ हेल्प ऑफ शुगर का डी फोर्स वाला कंट्रोल ब्रॉन्जर पाउडर्स। ये काफ़ी आपको नेचुरल काइंड ऑफ फिनिशिंग देगा। सो उसकी हेल्प से मैं एकदम से लाइट कंट्रोलिंग करूँगी। सो फर्स्टली हम इस पाउडर को अप्लाई करेंगे अपने जॉ लाइन पर। सो अच्छे से पाउट बनाते हुए मैं, यू गाइस कैन सी दैट कि मैंने पाउट किया है एंड अपने जॉ लाइन पर अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। देन थोड़ा सा फोरहेड पे भी अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा अपने जॉ लाइन के अक्रॉस भी अप्लाई कर लेंगे और मैं अपने उंगलियों की हेल्प से अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी। देन यहाँ पे ब्लश के लिए हम मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट यूज़ कर रहे हैं। सो इससे मैं एक पीची मॉविश टोन पे ब्लश का कलर पिक कर रही हूँ और उसकी हेल्प से हम अच्छे से अपने एप्पल आप चिक्स पे अप्लाई कर लेंगे ब्लश को। मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं उसको अच्छे से बिल्ड करें, अच्छे से ब्लेंड करें ताकि वो आपको नेचुरल काइंड ऑफ फिनिशिंग दे। यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए मैबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको अपने फेस के सारे हाइलाइटेड फीचर्स पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक फोरहेड पर, बीज ऑफ नोज पे, क्यूपिड बो पे। ये सारे आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली हाइलाइटर अप्लाई करना होता है। स्मॉल ब्रश की हेल्प से हम अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमारी आईज और ज़्यादा पॉप आउट हो और थोड़ी सी इंटेंस दिखे। अब सारे मेकअप को हम फिक्स कर लेंगे विद हेल्प ऑफ मेकअप फिक्सर। यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे। सो अब बारी आती है लिप्स को फिल करने के लिए। लिप्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल टोन का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो कि हैनिका के का सेड है टर्कोइस रोज। सो उसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए यूजफुल रहा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है जिसको आप हिट कर दें। एंड मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए जो कि है हमारा मोटिव। एंड बाय।